इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन से हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है यार ये हमारा मुसलमान भाई है। क्या लगता है कि आपको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने? बिल्कुल सर, बिल्कुल देनी चाहिए, भाईचारा है क्योंकि वो हमारा नेबर्स है। इसमें चीज़ें पॉलिटिशियन का जो है बिल्कुल हाथ है उनका, लेकिन जो यहाँ की आवाम और वहाँ की आवाम है उनके दिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम पर तो आ जाए, इस्लाम मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? भाई साहब, इंडिया जो है वो चांद पर पहुँच गया और दुबई इस्लामिक कंट्री, मिडिल ईस्ट जो भी है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो उन्हें मुबारकबाद दे रही है। क्या दिन निस्वार्थ पहुँच गए? मतलब तो आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं? नहीं सर, नहीं मानते। नहीं, अपने से दूसरे को अच्छा मानना चाहिए ना? मैं वो इज्जत पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज्जत मिले। सर, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अल्लाह ने तो इज्जत दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं? जस्ट वो एक लीडर को कह रहा हूँ, उसको बुरा कह रहा हूँ, इंडियंस को बुरा नहीं कह रहा हूँ। तो आप किसी इंडियंस के, इंडियंस को लीडर को बुरा कहेंगे तो इनडायरेक्टली आपने इंडियंस को। वो अब पूरे 1.5 करोड़ तकरीबन इस टाइम 1 अरब 40 करोड़ आबादी ने उनको सिलेक्ट किया है, तो आप उनके लीडर को बुरा कहेंगे तो पूरे इंडिया को कहा ना? मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। हमें यार, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और पूरी दुनिया उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं? सही कर रही है। मुबारकबाद देनी चाहिए? देनी चाहिए। साहब ये कह रहे हैं देनी चाहिए। आप एक इस्लामी स्कॉलर हो के माशाल्लाह मुझे लगता है आप हाफिज भी हैं। एक एक कंट्री बुला बुला कर जो इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं, जो उनके पीएम हैं, उनको बेस्ट लीडर का खिताब दे रही है, क्यों? उनके आप पॉलिसीज देखें, आप देखें इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वो आप सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं, वो कोई केजरीवाल उनका कोई मिनिस्टर आई थिंक हु इज़ ही आई डोंट नो, बट लेकिन उसके आप पॉलिसीज देखें, उसके काम देखें। नहीं नहीं, आप अगेंस्ट क्यों हैं? मुझे आप लॉजिक दें, बाकियों को छोड़ें, आप अपनी बात करें। सर नहीं, उसका ये आ जाती पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। विदाउट एनी रीज़न क्योंकि बी रीज़न दे, मुझे रीज़न दे। नहीं, मैं सवाल है आपसे, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुँच गया और यहाँ से हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद? चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाएं। इस्लाम तो मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? तो मुसलमान अब मुसलमानों ने थोड़ी खरीद लिया। तो हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें कुछ। चांद पर जाने के लिए वो तो चांद पर तो रिसर्च करके चांद पर गए होंगे। जी जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि चांद पर, चांद वो है एक मौजज़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए थे, वो चांद है, हर बंदे को पता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो अल्लाह के एक ख़ास बंदे हैं, वो एक रसूल हैं। जी सर, वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि बाबा आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन से हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है यार ये हमारा मुसलमान भाई है। जब तो अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बेशक करें, लेकिन जो है ना मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो मुबारकबाद पेश करें। मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए? जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ? लिखने की बात नहीं है ये, मैं अपना मेरा ईमान है। आपको तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये सर? सर अगर एक मुल्क चांद पर जा रहा, हम नहीं जा पा रहे, हम जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे। तो हम नहीं जा पा रहे तो अगला जा रहा तो उसको अप्रिशिएट तो करें। और इसमें ये है, हम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा? इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे मुल्क के जो झगड़े हैं वो भी नहीं खत्म हो रहे। कमजोर है ना, वो ताकतवर है तो चांद पर जा रहे। हम तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ताकतवर है चांद पर जा रहे तो अप्रिशिएट तो करो भाई। वो 100 बार जाए, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। मुबारकबाद
मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। हमें अपने से दूसरे को अच्छा मानना चाहिए। मैं वो इज्जत पसंद नहीं करता अपनी जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज्जत मिले। अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अल्लाह ने तो इज्जत दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं? अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अब आप कहेंगे कि जो बाइडन जो है वो अमेरिका के सदर बन गए तो अल्लाह ने उसको भी इज्जत दी, वो कहेंगे अल्लाह को नहीं मानते? अल्लाह पाक बेशक जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। अब देखें कि कुछ दिन पहले इमरान खान की हुकूमत थी तो उसने सबको आगे लगाया हुआ था, उसने सबको जेल की हवा खिलाई थी, यहाँ तक कि उसने अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम साहब को बात सुने। मौल साहब, इंडिया जो है वो चांद पर पहुँच गया और दुबई इस्लामिक कंट्री, मिडिल ईस्ट जो भी है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो उन्हें मुबारकबाद दे रही है। क्या दिन निस्वार्थ पहुँच गए पठान, निस्वार्थ पहुँच गए, चांद पे पहुँच गए। मतलब उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, इंडिया को चांद पर चला गया। हाँ, इन्होंने दी ले दिखम दिन। अच्छा, जबरदस्त हो गया गाइस, इन्हें पता ही कुछ नहीं है मैं पाकिस्तानी हूँ या कहाँ पर रह रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे तो ये हालात है। अब मैं बात चांद की कर रहा हूँ, ये बात कुछ और कर रहे भाई जान। वो जो है ना थोड़ा सा ना मैं जी सारे ही पागल हो गए आहिस्ता आहिस्ता। क्या करें, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है। फिर आप यहाँ पर कह रहे हो कि हमने बनानी नहीं है, मुबारकबाद नहीं देनी है, तो गलत बात है। मैं देखिए, मैं उनको मुबारकबाद पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे लिए मुखलिस आज के यूथ है, आज के यूथ है लड़का। एक मिनट बात सुनो गाइस, हमारे साथ आज की यूथ है, इससे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं, क्या करते हो? मैं सर जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ। सॉरी, ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम करते हो, पढ़े लिखे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हो? आठवीं क्लास से छोड़ा। आठवीं क्लास से छोड़ दिया, मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे। आप क्या एज है? मेरी 18 साल। अभी तो आपको तो 12वीं में होना चाहिए। जी इस तरह मैंने काफ़ी देर से छोड़ा हुआ है। काफ़ी देर से छोड़ा हुआ। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलें गाइस पता लग जाता है क्या सोचते हैं ये। दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इंडिया के चांद पर जाने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए? जी करना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए, ये कह रहे हैं करना चाहिए। वो उनका अपना ज़मीर है, मेरा ये वो जो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं ना। बात सुनो यार, आपने सवाल सुना जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12वीं में। 12वीं पढ़ते हैं। 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, तो इससे मैं पूछता हूँ यार, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और पूरी दुनिया उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं? सही कर रही है। मुबारकबाद देनी चाहिए? देनी चाहिए। साहब ये कह रहे हैं देनी चाहिए। आप एक इस्लामी स्कॉलर हो के माशाल्लाह, मुझे लगता है आप हाफिज भी हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि जो हमारे बाबा जी ना अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम सैनी साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनका ये कहना है कि अगर आप बाबा जी को छोड़ दें, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने कि वो क्या कहते हैं? अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना किया कि किसी नॉन मुस्लिम तरक्की करे तो आप कोई चीज़ हासिल की है उन्होंने, कोई अच्छा काम किया है, जो भी है, बेशक वो, हालांकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है। इस तरह में हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि उसमें मुसलमान है, हमने ये देखना है कि जिसने जो लोग चांद पे पहुँचे हैं वो लोग कौन है, वो कल कौन है या नहीं है। इस्लाम एक तरफ है और साइंस दूसरी तरफ रखें आप। आपने पता है कि हमने सबसे पहले स्पेस एजेंसी बनाई थी, आपको तो पता ही नहीं होगा स्पेस एजेंसी क्या होती है। साइंस में स्पेस एजेंसी पे नहीं है, साइंस को नहीं मानता, साइंस को मानते ही नहीं है। नहीं, मैं ये चेक करें आप, मैं कुरान सुन्नत को मानता हूं कि जिस बंदे ने कुरान पाक पढ़ा है ना, हम उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि मेरी मखलूक में देखो, मेरी खलकत में देखो, बिल्कुल मेरी निशानियां देखो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप साइंस को ही नहीं मानते, अगर यही तरक्की मुसलमान करते ना तो मुझे बहुत खुशी होती। ये कैसे कह रहे हैं मुसलमान तरक्की करेंगे तभी मैं मानूंगा? मुसलमानों ने तरक्की की, वो साइंस साइंस नहीं है, वो भी तो साइंस ही होगी ना। तो मुसलमान दुनिया में बहुत पीछे रह गए, आप बहुत पीछे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, क्यों है? इसी वजह से कोई दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो हमारी भी असल में हमारे हुक्मरान सही नहीं है। अगर हम भी तरक्की कर सकते हैं लेकिन हमारे हुक्मरान सही, इनके आपस में झगड़े नहीं ख़त्म होते, जब इनके आपस में झगड़े ख़त्म होंगे तो हम कोई तरक्की की तरफ जाएंगे, जब इनके आपस में झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे तो हमने तरक्की की तरफ नहीं जाना बल्कि हमने जो है ना गर्क हो जाना है। मतलब किसी को अप्रिशिएट नहीं करना? बिल्कुल नहीं। गाइस आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी अचीवमेंट करे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो कि ये मौलवी साहब थे मदरसे में पढ़ते थे, ये कह रहे हैं कि भाई मैं मानता ही नहीं हूँ कि साइंस को भी मैं नहीं मानता, मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता, सिर्फ मैं मानता हूँ तो इस्लाम को मानता हूँ। जो यहाँ पर तबका आता तबका तो कहता मैं साइंस को ही नहीं मानता। नाम आपका? एहतशाम। क्या करते हैं?
मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया चांद पर पहुँच गया, उन्होंने अपना रॉकेट चांद पर लैंड करवा दिया, तो इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया और इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं इंडिया को मुबारकबाद दे रही हैं, क्या उनको देना चाहिए मुबारकबाद? बिल्कुल देनी चाहिए। अच्छा, मतलब कि वो दुश्मन है उसको भी मुबारकबाद देनी चाहिए? दुश्मन है वो, एक तरक्की कर रहा है ना, ये हमारी मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्री है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, सोचने वाली बात है ना। यहाँ हम लोग बिजली गैस और पानी से नहीं बाहर आ सकते, तो हमने और क्या करना। आप ये देखें, हमारे मुल्क में सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं, हमारा बेसिक मेरा प्रिंटिंग का काम है और हम डिफरेंट मिल्स के साथ काम करते हैं, फैसलाबाद सारा टोटल बंद है, कितनी टेक्सटाइल बंद हो गई है, कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को बस ये, आप देख सकते हैं सिग्नल्स फ्री हैं इस टाइम, क्यों? गवर्नर हाउस के साथ कोई 150-200 गाड़ी खड़ी है, किसी का प्रोटोकॉल गुजरना है, किसी टाइम भी उन्होंने बंद कर देना सारा। यहाँ वहाँ को 300 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है और वो जो सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं उनका कौन वाली वारिस है, उनसे कौन हिसाब मांगेगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स देख लें कहाँ पे आ रहे हैं। अब मेरी सपोज कह लें 50,000 पे है, मुझे 50,000 बिल आ गया, मैं क्या करूँ, घर वालों के बिल दूँ? देखने वाली बात है ना, दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। आप ये देखें कैनेडा के लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैनेडा यूरोप निकल रहे हैं यहाँ से, कितना बंदा मारा जा चुका है यहाँ से छोड़, जिन अंग्रेजों से लड़ लड़ के आज़ादी ली, अब उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं ना। मकसद कहने का ये, हम तो वापस गुलाम बन गए, आज़ाद तो हम हुए ही नहीं, इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया। 600 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बनी, 600 बिलियन, आप देखें सारी फैक्ट्रीज वहाँ चले गई हैं, इवन के हमारे कई क्लाइंट्स है वो अपनी मिलें उठा के बांग्लादेश ले गए हैं। दुनिया बुला बुला कर, दुनिया एक एक कंट्री बुला बुला कर, जो इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं जो उनके पीएम हैं उनको बेस्ट लीडर का खिताब दे रही है, क्यों? उनके आप पॉलिसीज देखें, आप देखें इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वो आप सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं, वो कोई केजरीवाल उनका कोई मिनिस्टर आई थिंक हु इज़ ही आई डोंट नो, बट लेकिन उसके आप पॉलिसीज देखें, उसके काम देखें। और यहाँ हमें ये बस सिखाया जा रहा है कि बाकी जाओ लगे जाओ, इधर एक बिरयानी के पीछे हम बैठे हुए हैं लाइन में लग के। व्हाट इज़ दिस हैपनिंग इन दिस कंट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। आप संभलें, दुनिया इस टाइम एक साहब हंस रही है हमारे ऊपर, यहाँ पर दुनिया चांद पर जाती है और हम यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि चांद पर जाने का फ़ायदा क्या है, और दुनिया सर्च करेगी पूरी दुनिया के बताएगी कि भाई चांद पर भी कुछ है, चांद पर भी कोई चीज़ें हैं, और हम सोच रहे हैं कि यार चांद पे भी कोई जा सकता है, ऐसी हम यहाँ पे बैकी बैकी सी बातें करते हैं। वो देखें ना, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या दुनिया, नासा, अमेरिका के बड़े बड़े कंट्रीज, दुबई, सऊदीया, हर कोई कंट्री उनको मुबारकबाद दे रही है, हमें किसी ने मुबारकबाद दी आज तक? हमें किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, ना कोई देगा। इवन कि हमारे इंडिपेंडेंस डे भी नहीं मैंने सेलिब्रेट किया दुबई ने, नहीं होता सर। आप देखें बुर्ज खलीफा पे लोग नारे लगाते रहे कि उन्होंने किसी खाते नहीं लिखा पाकिस्तान को, और एक शाहरुख खान एक एक्टर हो गए उसकी बर्थडे पे उसको विश किया जाता है बुर्ज खलीफा पे, तो हम कहाँ खड़े हैं? सोचने का अलमी है, सोचने का अलमी है। ये क्यों नहीं है हमारे माशरे में सर? ये इज्जत बनानी पड़ती है, इज्जत ऐसे नहीं बनेगी जो मामला चल रहे हैं, अच्छे काम करके, अच्छे काम करके कोई एक वादा पूरा करके, वादा तो पूरा हो ही नहीं सकता, वादा तो कोई भी पूरा नहीं करता, सियासतदान तो दूर की बात है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारी थी आज उसकी जगह पर रिप्लेस कर गया इंडिया ने, बाहर के ज़रात ज़रई मुल्क है ना हमारा, हम गंदम चावल जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ों पर रिप्लेस कर गया इंडिया, क्या बात है सर। ये उनकी पॉलिसीज है ना, वही तो कारण, वो एक काम कर रहे हैं, कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ग्रेस ने आज बुलाकर इंडिया के पीएम को, नरेंद्र मोदी को, अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, अवार्ड देते साथ ही क्या कहा कि आप दुनिया के बेस्ट तरीन लीडर हैं, जो कि अपने कंट्री को आपने पांचवी बड़ी मईशत बना दी अपने दौर के अंदर। सर काश के कोई भी हमारे पास भी ऐसा होता, होता होना चाहिए, वो लाजमी हो, होना चाहिए, इस वाम का कोई सोचे। आप देखें लोग खुदकुशी कर रहे हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास, राशन नहीं है। एक चाइना मुल्क है उसमें चावल शॉर्ट होता है, उसने अगले पता नहीं कितने सालों का चावल स्टॉक कर लिया अपने मुल्क में, और यहाँ हमारी जो पैदावार है हम उसको बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अफगानिस्तान देख लें, उसने ठुड्डा मार दिया, क्यों? उसके वहाँ पे लिथियम निकला है। बिल्कुल सही बात। चाइना बैठ गया ना उसके पास जाके कि भाई कर काम मेरे साथ। हाँ जी। क्यों? अगला दूर ही सारा इलेक्ट्रिक, हम कहाँ खड़े हैं? कोई पूछने वाला नहीं है हमें, हमें बस ये पता है हमारा प्रोटोकॉल हो, याशी हो, टैक्स हम दे रहे हैं, याशी हुक्मरान कर रहे हैं, क्यों?
मैं क्यों अपने घर पे सोलर लगवाऊं, यूपीएस लगवाऊं, किस वजह से? आप देखें, हम पुराने दौर में वापस आ गए, एक साफ पानी के लिए हम कैन उठा के लग जाते लाइन में फिल्टर पे, 150 रुपये की बोतल है, नेस्ले की लेने जाए 500 रुपये की बोतल है, नो कैन अफोर्ड एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दिस। यही चलता रहा, पाकिस्तान के नौजवान बाहर भागते रहे, हर कोई बाहर जाता रहा, आहिस्ता 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 तो नौजवान ही तबका चला गया, तो ये मुल्क किसके पास रहेगा? मुल्क रहा ही नहीं अब, ये सर ये ख़त्म हो जाएगा इनकरीब। आप देख लें, अफ्रीका देख लें, और इस तरह के जितने कंट्रीज हैं जो इस टाइम तबाह हो चुके हैं उनकी इन्हीं पॉलिसीज की वजह, इन्हीं पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि सारा पैसा तो स्विस अकाउंटों में पड़ा हुआ है। कैसे किसी को एक सीखते भी नहीं है यार हमें, शर्म मगर फिर भी तुमको आती नहीं है, हम इंडिया से भी नहीं सीख रहे, हम सीखते ही नहीं है। बात कर लो इंडिया के तो यहाँ पर आप दहशतगर्द करार देंगे, आपको कह देंगे ये एजेंट है। ऐसे ही भाई, वो तरक्की कर गया यार, यार वो चांद पर चला गया भाई, वो अभी सूरज का मिशन भेज रहा, समंद्रयान भेज रहा है यार, वो क्या कुछ करने जा रहा भाई। टेस्ला उधर आ गया, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उस लोड मार रही हैं उधर आके, हमें पूछता ही नहीं है यार, कोई नहीं पूछ रहा। और मैं वही आपको कह रहा हूँ, ना पूछ रहा ना कोई पूछेगा, आने वाला दौर बहुत सख्त दौर है, ये हुक्मरान अभी भी ना उठे तो फिर ये कौम जब उठेगी तो इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ हुआ क्या। कब उठेगी सर? 76 साल हो गए सर भाई, उठना चाहिए, अब पता नहीं कब उठेगी, ये खुद नहीं समझ आ रही। पहले उठाने के लिए तो अल्लामा इकबाल आए थे, अब इनको उठाने के लिए मुझे लगता है कि कोई फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा पानी डालने के लिए। नहीं, वो अल्लामिया फरिश्ता ही भेजेंगे, सारे उठा लेंगे, जब रहेगा कोई नहीं इधर तो कौन चलाएगा मुल्क। बिल इतने आते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ जब लोगों से बात करता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, 200 यूनिट चलने पर आपको 25,000 रुपये बिल आ जाता है, और इंडिया में 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट फ्री है, वहाँ बिजली का यूनिट का रेट देखें ना क्या है, इंडिया में देखें, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में देखें क्या रेट है, और यहाँ पाकिस्तान में 60 रुपये एक यूनिट का रेट है, किस खुशी में भी। दुनिया के हर मुल्क चलते हैं एक्सपोर्ट करके चीज़ों को, मैन्युफैक्चर करके, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ कर्जे पर चल रहा है। कर्जे पर भी नहीं चल रहा, कर्जा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है ये भी नहीं पता चल रहा, कर्जे पर चल रहा हो तो कुछ नज़र तो आए ना। हमने आज तक पाकिस्तान की बुनियादी कर्जों पर रखी है, क्या कहेंगे आपके ये जब हालात ऐसे रहेंगे भाई, तो क्या फ्यूचर है हमारे बच्चों का? कोई फ्यूचर नहीं हमारे बच्चों का। क्या कहेंगे आप, क्या हालात हैं? हालात तो ठीक है, बेहतर है, फिक्चर होना था जो डॉलर लै ला जिन्होंने घर च रखे तो डॉलर तो उन्हें की आने ना जिन्हें आने, ठीक है फालतू तो आने नहीं, लोगों लै ला घर च रखे तो फिर डॉलर उत्ते जाएगा तो मुल्क का नुकसान है, मुल्क का नुकसान कानूनी भी थले जाएगी, कानूनी क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी क्या काम कर, कितनी दिहाड़ी लगती है और उस दिहाड़ी पर वो पूरा दिन गुजर जाता है? बस अल्लाह का शुक्र गुजर जाता है। क्या कहेंगे सर? बहुत मुश्किल हालात हैं, आपको अर्ज कर चुका हूँ, बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, अगर ये हुक्मरान अभी ना जागे ना तो ये कौम सर मजीद महंगाई आने वाले उसके लिए तैयार है। इसको कौम को जागना चाहिए, ये जो कौम है ना ये डॉलर घर रखती है ना, इसको बैंकों में रखना चाहिए, फिर ही मुल्क का कुछ बेहतरी हाल निकलेगा, वरना ये खुद जो है ना ये खुद नुकसान कर रहे हैं मुल्क का। सर इंडिया तरक्की कर गया, दुनिया मुबारकबाद दे रही है, चांद पर चला गया वो, यहाँ पे हर बंदा बेईमान है, उधर नहीं है, उधर भी हो गए वो भी हैं, वो हैं तो फिर तरक्की क्यों कर रहे हैं, हम ज्यादा होंगे ना उनसे, ये हम ज्यादा हमसे कैलकुलेशन कर लो, अगर इस दुनिया में बुराई ज्यादा होगी तो अच्छाई खत्म हो जाएगी और सारी दुनिया एक दूसरे को मारना शुरू कर देगी। इमरान खान ने क्या सी तो रहेगा कौन यहाँ पे? इमरान खान ने क्या ही, मैं गरीब 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 हो रहा, अमीर अमीर हो रहा, लेकिन उन्हें क्या, उन्हें आया उन्हें अमीर नु मार, गरीब अमीर ही करता गरीब नु मार छड़िया, इस बात पे यकीन करते हैं? ऐसा ही है जी। हाँ जी, और सब कुछ सही चल रहा है? नहीं सही, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने निजाम चलाना चल रहा है, बिल्कुल सही हो गया। बहुत अच्छा लगा अंकल बात करके, बहुत थैंक यू सो मच ब्रो, आपके भी बात करने का थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात। शुक्र अल्लाह का ब्रो। नाम आपका? मोहम्मद रिजवान। क्या करते हैं आप? मैं इंड्राइव पे बाइक चलाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया चांद पर पहुँच गया, चांद पर पहुँच गया, यहाँ पर सारे मुल्क जो हमारे दुबई जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सारी दुनिया उनको मुबारकबाद दे रही है, क्या लगता है कि आपको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल देनी चाहिए, भाईचारा है क्योंकि वो हमारा नेबर्स है, और इसमें चीज़ें पॉलिटिशियन का जो है बिल्कुल हाथ है उनका, लेकिन जो यहाँ की आवाम और वहाँ की आवाम है उनके दिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये आपके दिल में कोई कोई वो नेबर्स, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है नेबर्स का वो देता है भाईचारे का वो पैगाम देता है, तो बिल्कुल मुबारकबाद हमें उनको देनी चाहिए बिल्कुल। सर अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो चांद पर चले गए हैं और हम कहाँ पे हैं? हम सर इसके मुकाबले में बहुत ही पीछे रह गए हैं, हद से ज़्यादा पीछे रह गए हुए हैं। और सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रिस्पेक्ट कौन से लीडर की ज़्यादा वर्ल्ड वाइड के अंदर, हमारी ज़्यादा या फिर उनके पीएम की ज़्यादा? नहीं सर, ये हमारे वो इमरान खान की थी ज़्यादा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इमरान खान की थी, लेकिन अब उसके भी हालात वो आपके सामने हैं बिल्कुल, वो उन्होंने पकड़ के उसको अंदर कर दिया हुआ है। जो पाकिस्तान मतलब ये कि अभी रिस्पेक्ट इंडिया के पीएम की ज़्यादा? नहीं नहीं सर, नहीं उनकी, नहीं 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 नहीं। फिर उनको दुबई बुलाकर, उनको यूएई बुलाकर पूरे अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड देते हैं, अभी ग्रेस ने भी आज बुलाकर उनको अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, क्यों? सर ये अब पॉलिटिशियन से जाने, ये पॉलिटिशियन की आती जाती है, लेकिन वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं होनी चाहिए? सर उनका ये पॉलिटिक्स में, मैं सॉरी इसका वो नहीं रिप्लाई कर सकता, ये तो पॉलिटिक्स ही है हमारी। सर आपको पता है कि पूरी दुनिया, अगर वो बंदा अच्छा ना होता, वो लीडर वाइज अच्छा ना होता, तो उनका मुल्क उनकी हुकूमत के अंदर दुनिया के पांचवी बड़ी मशत बनता? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी तीसरी बनने जा रहा, कुछ महीनों के बाद तीसरी भी बन जाएगा सर इंशाल्लाह, हमारा अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल जैसे ही एक आखिरी उम्मीद थी इमरान खान की, अब वो ही नहीं रहे तो बस वो सारा उनके साथ बुरा हाल हो गया हुआ है अब कंट्री का, तो बस अल्लाह ही हाफिज है। इन्होंने तो लेडीज़ को भी आटे की लाइनों में लगा दिया हुआ है। तो आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं? नहीं सर नहीं मानते। नहीं नहीं, अगर मान लेंगे तो क्या? अपना उनके अपने जो अपना कंट्री के लोग हैं वो उनके खिलाफ, उनके खिलाफ हुए हैं इतना। सर आपको पता अभी जो एक होता सोशल मीडिया में कंपेन चलती है कि कौन सा लीडर बनेगा, कौन से आने वाले टाइम के अंदर पॉलिटिशियन को आप दोबारा जितवाएंगे, तो उसके अंदर तकरीबन 70% लोगों ने कहा कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा आने चाहिए। अच्छा है अपने मुल्क के लिए, तभी तो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। नहीं सर वो मेरे नहीं ख्याल के, क्योंकि मैं भी काफ़ी सोशल मीडिया से अटैच हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये उनकी वैसे ही उनके अपने लोग हो के, लेकिन जो उनकी मीडिया है वो आपके सामने, वो भी गरीब मुल्क है, ममालिक है। सवाल और, अगर नो कॉन्फिडेंस में हमारे इमरान खान साहब की कुर्सी जो है वो गिर गई, उन्हें गिरा दिया गया नो कॉन्फिडेंस में, दूसरी तरफ इंडिया में नो कॉन्फिडेंस अभी हुआ नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनके अगेंस्ट किया, एक आधी पार्टी होगी, बाकी सारे उनके साथ थी। अगर वो इतने ख़राब होते तो उधर भी जीत जाते, नो कॉन्फिडेंस से भी गिरते, आप कहीं भी जीत नहीं जीत रहे मेरे से। नहीं सर वो बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये देखना, एक अकेला बंदा लड़ रहा है, एक मुल्क के लिए लड़ रहा है, अब यहाँ पे भी कभी ना कभी वो जीतने की पोजीशन में आएगा ज़रूर। ये एक उम्मीद थी कि इमरान खान की, वो बिल्कुल एक लड़ रहा था अवाम की भी हक में, हर चीज़ वो लड़ रहा था। दूसरी में कोई आप नवाज शरीफ में दूसरी गुमन उल नहीं देख लें, वो लूट के खा गए हैं। 50 साल से एक नए बंदे को चांस दिया था, उसमें कम से कम ये तो था कि वो एक लड़ रहा है अवाम के लिए, कभी ना कभी तो वो जीतने की पोजीशन में आता। अब उसकी जो सारी सूरत हाल आपके सामने है, उसकी सारी अवाम ही उसके वो सारे उसके चेयरपर्सन सब उसके खिलाफ सारे अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन मे भी कि वो इंशाल्लाह दोबारा आएगा। क्या कहना चाहेंगे आप अभी अभी रिलेशन बेहतर कर लें अपने पड़ोसियों के साथ? बिल्कुल सर, ये तो हमारा भाईचारा पाकिस्तान जो है वो भाईचारे का वो पैगाम देता है, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए ये। तो आप अभी कह रहे कि वो बंदा अच्छा नहीं है जो उनका पीएम है, तो आप रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? सर वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है ना, ये आपको भी पता है पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। फिर आप एक मुल्क के पीएम को भी बुरा कह रहे हैं और कह भी रहे कि रिलेशन बेहतर करने, ऐसे पॉसिबल? सर वो तो हम जो इस्लाम जो भी है मुस्लिम, तो हम कह रहे हैं ना कि भाईचारा को, इस्लाम तो ये भी कहता है कि किसी को बुरा ना कहो, तुम किसी इंसान को भी बुरा ना कहो। बात सर आपकी बात बजा है, लेकिन कब तक ये चीज़ होगी? आप उनके अपने ही अगेंस्ट उनके खिलाफ है। अब नहीं नहीं, आप अगेंस्ट क्यों हैं? मुझे आप लॉजिक दें, बाकियों को छोड़ें, आप अपनी बात करें। सर नहीं, उसका ये आ जाती पॉलिटिक्स की बात आ जाती है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन, क्योंकि बीए रीजन दे, मुझे रीजन दे। नहीं मैं सोच देखना चाहता हूँ पाकिस्तानियों की क्यों अगेंस्ट नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट क्यों है, वो मुझे बता। सर शुरू से आपको देख ले सारी सूरतें आती तो ये है, लेकिन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बीए क्यों नहीं करता। मुस्लिम की बात अलग है, एक पीएम है मुल्क के सर, वो सर मुस्लिम, आप इस्लाम को बार बार बीच में ला रहे हैं, इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी को इंसान को हेट करो, किसी से नफरत। बात आपकी बिल्कुल बजा है, वो बिल्कुल आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, लेकिन लेकिन आई वही आ जाती है बात, वही मेरी जो पहले कहना चाह रहा था मैं आपसे ही, कि वो ये सारा पॉलिटिशियन वगैरह वो सारे उसको इशू चल रहे हैं, सारे जो इशू चल रहे हैं भाई, आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। आप नफरत छोड़ देना, कह दें कि भाई वी लव इंडिया, वी लव इंडियंस, वी लव सब नेबर्स। वो नेबरहुड का तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ,
किसी जात से, किसी जात से नफरत करने का पर्पस क्या, मुझे ये समझा दे। जस्ट वो एक लीडर को कह रहा हूँ, उसको बुरा कह रहा हूँ, इंडियंस को बुरा नहीं कह रहा हूँ। तो आप किसी इंडियंस की, इंडियंस को लीडर को बुरा कहेंगे तो इनडायरेक्टली आपने इंडियंस को। वो अब पूरे 1.5 करोड़ तकरीबन इस टाइम 1 अरब 40 करोड़ आबादी ने उनको सिलेक्ट किया है, तो आप उनके लीडर को बुरा कहेंगे तो पूरे इंडिया को कहा ना सर। वो ये पॉलिटिक्स नहीं, वो जब आ जाती है तो उसके अगेंस्ट, अब इंडिया वाले भी हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है। अब जो जो पॉलिटिक्स, आप क्यों हैं? मैं इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, वही बात है ना भाई। अब मैं आपको बात बताता हूँ मेरे भाई, आप, अब मैं आपको बात